हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप चूँकि देखिए भागलपुर यूनिवर्सिटी जो आपका भागलपुर में है, तिलका माझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, उसका बीएड सेकेंड ईयर का सेशन 22-24 का वीवीआई क्वेश्चन लिया है। कोर्स एट का वीवीआई क्वेश्चन डाल दिए थे, नॉलेज एंड करिकुलम का। जो लोग नहीं देखे होंगे आप लोग जाकर देख लीजिएगा, यूट्यूब पर डाला हुआ है। देखिए आज हम कोर्स 9 जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है उसका वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए आपको नोट्स चाहिए, जो लोग नोट्स नहीं लिए हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं, 9576004401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। कुछ में पेमेंट करके आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, समझ गए, 9576004401 पर। जो लोग नोट्स नहीं लिए हैं सब कोर्स का मिल जाएगा, C8 से लेकर आपका मेथड तक, C8 C9 C10 11 ऑप्शनल जो होता है, फिर उसके बाद मेथड का मिल जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भागलपुर यूनिवर्सिटी जो तिलका माझी भागलपुर यूनिवर्सिटी है उसका वीवीआई क्वेश्चन बीएड सेकेंड ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2024 सेशन हो गया 22-24 कोर्स 9 असेसमेंट फॉर लर्निंग। देखिए 5 यूनिट में आपका 10 क्वेश्चन आएगा और प्रत्येक यूनिट से आपका एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों का जवाब देना है, समझ गए। एक क्वेश्चन 16 नंबर का होता है, टोटल आपका 80 नंबर का पेपर है, 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल होगा, समझ गए। तो पहला क्वेश्चन है कि मापन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा इसके कार्यों का उल्लेख करें, समझ गए। पहला बहुत वीवीआई क्वेश्चन यूनिट 1 में कि मापन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा इसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट करें, आकलन और मूल्यांकन में क्या अंतर है, समझ गए। तो देख लीजिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, मूल्यांकन और आकलन मूल्यांकन में क्या अंतर है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तीसरा एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट, फिर उसके बाद हो गया आकलन को परिभाषित कीजिए और सी में है आकलन के उद्देश्य में कोई 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। अगला है यूनिट 2 में कि ग्रेडिंग पद्धति की विवेचना कीजिए, ग्रेडिंग पद्धति क्या होता है। चौथा क्वेश्चन है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि विद्यालय संस्कृति और शिक्षा शास्त्र पर परीक्षा के प्रभाव की विवेचना कीजिए, यानी जो विद्यालय संस्कृति और शिक्षा साथ होता है परीक्षा पर कैसे प्रभाव डालता है उसको लिखना है। अब आते हैं यूनिट 3 में कि अधिगम के विभिन्न आयामों, या इसी को हम लोग ब्लूम टैक्सोनॉमी करके भी पूछा जा सकता है, कि ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्णन करें। चौथा क्वेश्चन है कि पोर्टफोलियो क्या है, इसके क्षेत्र प्रयोग एवं निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करें, और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि अंतिम परीक्षा से पूर्व यानी जो फाइनल असेसमेंट होता है, जो आपका फॉर्मेटिव समेटिव टेस्ट होता है, यानी जो वार्षिक परीक्षा होता है, तो अंतिम परीक्षा से पूर्व शिक्षार्थियों के सुधार हेतु जो आकलन अभ्यास हम लोग करते हैं तो उसका क्या है प्रभाव पड़ता है उसकी विवेचना कीजिए, समझे। तो इसमें यूनिट 3 में आप अधिगम के आयाम यानी ब्लूम टैक्सोनॉमी, फिर पोर्टफोलियो और फिर अंतिम परीक्षा से पहले हम आकलन अभ्यास करते हैं उसका प्रभाव क्या पड़ता है। यूनिट 4 में है कि प्राथमिक स्तर पर नो डिटेंशन पॉलिसी, गैर निरोधी इसको बोला जाता है, को लागू किए जाने के प्रभाव पर विस्तार से चर्चा करें। 8वां है अधिगम के संरचनावादी परिप्रेक्ष्य का आकलन कैसे करेंगे, यह आपका संरचनात्मक दे देगा या आपका संज्ञानात्मक दे देगा। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, शिक्षक डायरी। दूसरा है स्वयं सहपाठी और शिक्षक आकलन। तीसरा है रूब्रिक्स और चौथा है दत्ते कार्य। और एक्स्ट्रा में आपका यूनिट 5 लास्ट है कि समस्या समाधान के चरणों की विवेचना कीजिए, परीक्षण क्या है इसके प्रकार और विशेषताओं को लिखें। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों के आकलन में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इतना क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, इसी में से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। इसके बाद C10 का कर देंगे, फिर ऑप्शनल हो गया, फिर उसके बाद मेथड का, समझ गए। थैंक यू, जल्दी ही आपका एग्जाम डेट भी आ गया, जल्दी आपका एग्जाम भी होगा, समझे। थैंक यू।